संजुलीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जिसमें आलिया भट्ट मेन लीड रोल में नजर आ रही है उसकी रिलीज डेट आखिरकार तय हो चुकी है जी हाँ 30 जुलाई 2021। यस, आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 30 जुलाई 2021 को ऑलरेडी एक फिल्म अनाउंस हो चुकी है जो पैन इंडिया है और इस फिल्म का नाम कोई और नहीं है ये राधे श्याम। जी हाँ, जुलाई 30 को राधे श्याम पैन इंडिया जो फिल्म है उसका क्लैश होगा आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म को छोटा मत समझना दोस्तों, क्योंकि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है। संजय लीला भंसाली की फिल्म हमेशा लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव वाली फिल्म होती है और दोनों ही फिल्म वैसे बहुत अलग है। एक रोमांटिक टेल है तो दूसरा थोड़ा सा ना ब्रोथल वाली स्टोरी है गंगूबाई काठियावाड़ी की, एक अलग तरह की स्टोरी के हिस्टोरिकल अपील के साथ फिल्म बन रही है। वैसे देखा जाए दोनों फिल्म का लुक रेट्रो है क्योंकि वो भी पीरियड ड्रामा है, 60-70s के दौर की कहानी, तो ये भी 70s-80s के दौर की ही कहानी है। सो ये दो हिस्टोरिकल है ना तेल वाली फिल्म रिलीज हो रही है, गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया भट्ट स्टारर और यहाँ पर राधे श्याम। गंगूबाई काठियावाड़ी का जो लुक फर्स्ट पोस्टर रिलीज हुआ है अभी वाला लेटेस्ट उससे बहुत ही सादगी है ना, और इसके पहले का एक जो ऑलरेडी रिलीज हुआ था उसमें थोड़ा सा एरोगेंस वाला फील आ रहा है। यानी कुल मिलाकर आई थिंक आलिया भट्ट इज अगेन रेडी टू स्टोल द शो एंड आज संजय लीला भंसाली सर का बर्थडे है तो आज उसका टीजर भी एक आएगा, लेकिन फिलहाल जो ये पोस्टर आया उसे साफ हो चुका है यस इट इज गोइंग टू बी ए मेगा क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस एंड गेट रेडी फॉर टू बिग फिल्म्स ऑन 30 जुलाई 2021। व्हाट आर योर थॉट्स? टू लेट अस नो। वीडियो अच्छा लगा तो भैया सब्सक्राइब करना तो बनता है।